हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ दीपमाला ब्लॉग एंड रेसिपी में। आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ रिमझिम बारिश में बिना बेसन की पकौड़ी आलू प्याज। दो बड़े आलू मैंने अच्छे तरीके से धुल के बारीक कट कर लिए। दो बड़ी प्याज, इनको भी मैंने धुल के बड़े अच्छे से तैयार कर लिया, कट कर लिया लंबे आकार में। 6-7 हरी मिर्चें, इनको भी मैंने कट कर लिया है। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, चिली फ्लेक्स आधी चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी, एक कटोरी छोटी कटोरी गेहूं का आटा। बेसन की जगह हम इस आटे को डालेंगे। बहुत अच्छी से क्रिस्पी पकौड़ी बनती है। जो छोटे बच्चे पापे खाते हैं उनको भी दो डालेंगे। अब इसमें हम पानी से अच्छे से मैश कर लेंगे, इसी में मैश हो जाएंगे सब। थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और देखते जाएंगे। मैंने दो पापे डाले थे, दो पापे डालने की और जरूरत है, इससे बहुत क्रिस्पी पकौड़ी बनेगी। जो बच्चे चाय से खाते हैं रस, वही है ये। मैंने 4 डाले, 2 पहले डाले थे, 2 बाद में डाले। तैयार हो गया है और हमने गैस ऑन कर दी है और आल हमारा गर्म हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा आल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पकौड़ियाँ। ऐसे आप बनाइए पकौड़ियों को, देखना कितनी टेस्टी लगती है। ये मैंने गेहूं के आटे से और पापे से तैयार करी है। ना इसमें बेसन है, ना इसमें चावल का आटा है, ना इसमें मैदा है। जब मेरे यहाँ बेसन नहीं होता तो मैं इस प्रकार की पकौड़ियाँ बनाती हूँ। मेरे बच्चे बहुत मन से खाते हैं। फ्रेंड्स, कितनी अच्छे से मेरी पकौड़ी सीख गई। अब इनको हम निकाल लेंगे। पकौड़ी आप तैयार हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी क्रिस्पी बनी है। मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। अगर आज आपको मेरी पकौड़ियाँ पसंद आई हूँ और आप इन पकौड़ियों को चाय से, चटनी से, जिससे जहाँ सर्व कर सकते हैं, और मेरी पकौड़ियाँ पसंद आई हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय।